दोस्तों, अगर पास्ट में आपने कभी वेबसाइट का लेआउट बनाया होगा तो आप इस बात को एग्री करोगे कि ये कोई इजी काम नहीं है। लेकिन अब फ्लेक्सबॉक्स की मदद से आप एक चुटकी में वेबसाइट के लेआउट बना सकते हो। तो चलिए तीन ब्लॉक्स लेते हैं और उनको फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। नॉट बैड, लेकिन इनकी हाइट अगर सेम होती तो ये थोड़ा सा बेटर दिखता। अच्छा, ये लीजिए। हाँ, ये कुछ बुरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बीच वाला ब्लॉक अगर सेंटर में आ जाता तो थोड़ा सा अच्छा दिखता। ठीक है, ये लीजिए। इंप्रेसिव, लेकिन ये तीनों ब्लॉक अगर सेम विड्थ होते तो ये थोड़ा सा बढ़िया दिखता। ये लीजिए, हो गए सेम विड्थ। हाँ, लेकिन इनकी हाइट अगर उतनी होती जितना कंटेंट है तो अच्छा होता। ठीक है जी, ये लीजिए, बहुत बढ़िया। और ये बीच वाला ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये देखिए। और जो लेफ्ट वाला है पहला, उसको अगर बड़ा करना है तो वो भी हो सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है, ये देखिए। और अगर मैं इनकी ऑर्डर चेंज करना चाहूँ तो वो भी आप कर सकते हो, ये देखिए। ऑसम, लेकिन ये सारे ब्लॉक रिस्पॉन्सिव तो है ना? हाँ बिल्कुल है, ये देखिए छोटे स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया। तो ये आप कैसे करते हो? ये सब पॉसिबल होता है हमारे फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। हाँ दोस्तों, आपको चंद दो तीन लाइनें इसमें ऐड करनी है और आपका लेआउट इतना रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स की मदद से एक वेबसाइट का लेआउट कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ग्रिड बनाने का एक मैजिक फॉर्मूला देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पास्ट में हम लेआउट्स बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे? सबसे पहले तो टेबल्स यूज़ करते थे, बाद में इनलाइन ब्लॉक्स यूज़ करने लगे, फ्लोट्स यूज़ करने लगे, या फिर जो भी पोजीशन एब्सोल्यूट है वो यूज़ करने लगे। तो वहाँ पे ग्रिड्स वगैरह बनाने के लिए बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता था और ये बहुत हेडेक था। लेकिन अभी फ्लेक्सबॉक्स की मदद से ये पूरा कैलकुलेशन हमारा फ्लेक्सबॉक्स हमारे लिए हैंडल करता है। तो दोस्तों, फ्लेक्सबॉक्स समझने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोड प्रिपेयर किया है ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे मैंने दो फाइलें बनाई है, एक है इंडेक्स, एक है CSS, index.html और app.css बस। और इस HTML फाइल में एक कंटेनर बनाया, ये देखिए, ये div कंटेनर है और उसके अंदर तीन divs बनाए। ये देखिए, ये पहला div, ये हुआ दूसरा और ये तीसरा। और हर एक div के अंदर एक हेडिंग है H3 और एक पैराग्राफ है। बस इतना सिंपल हमारा मार्कअप है। तो यहाँ पे मेन कंटेनर जो हमारा रैपर है उसको मैंने कंटेनर क्लास दिया है, और जो अंदर के तीन डिव्स है उनको item 1, item 2 और item 3 मैंने दिया है। और यहाँ पे बॉडी को मैंने थोड़ी सी स्टाइल दी है, जो भी आपको कलर्स वगैरह दिख रहा है, ये फॉन्ट वगैरह दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अभी फोकस नहीं करना है, यहाँ पे चलते। और यहाँ पे मैंने कंटेनर क्लास को सिलेक्ट किया है, अभी कोई भी स्टाइल इसको अप्लाई नहीं की है, ये देखिए। उसके बाद में मैंने कंटेनर के अंदर जितने भी डिव्स है, हमारे तीन डिव्स है, ये राइट में आपको दिख रहा है, ये ब्राउज़र विंडो है हमारी। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन डिव्स को मैंने एक साथ में सिलेक्ट किया है और उनको सिर्फ ये बैकग्राउंड कलर दिया है और बॉर्डर उसको आपको दिख रही है, ये बॉर्डर उसको दी है और पैडिंग दिया है थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए और अच्छा दिखे। और यहाँ पे मैंने हर एक आइटम को अलग से सिलेक्ट किया है, अभी कोई भी स्टाइल इसको हमने दी नहीं है। तो ये सिंपल सा मार्कअप है। तो जब भी आप ऐसा मार्कअप लिखते हो तो नॉर्मली ये ब्राउज़र में कुछ इस तरह से दिखता है, एक के ऊपर एक के ऊपर वो स्टैक हो जाता है। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है जो भी हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि डिव हो गया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो तीनों बॉक्सेस है, हमारे तीनों आइटम हैं, वो एक लाइन में आ जाए। तो वो बहुत सिंपल है, सिंपली यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जैसे आप इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो ये तीनों आइटम बिल्कुल एक लाइन में अच्छे से स्टैक हो जाते हैं या फिर अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दो टर्म्स समझते हैं,
एक पहली है जो होता है फ्लेक्स कंटेनर। जो भी हमारा कंटेनर होता है वो होता है फ्लेक्स कंटेनर, और उसके अंदर जो भी डिव्स होते हैं, जो डायरेक्ट डिव होते हैं, वो होते हैं उसके फ्लेक्स आइटम्स। तो दो चीज़ें यहाँ पे है, एक है फ्लेक्स कंटेनर और दूसरी है फ्लेक्स आइटम। तो जब भी हम कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, देखिए फिर से सुनिए, जब भी कंटेनर को हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो उनके अंदर जो भी जितने भी डिव्स है वो सारे उनके फ्लेक्स आइटम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि हमें डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, वो करनी है हमें फ्लेक्स कंटेनर को। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे हमारे कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया है। अभी मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने अलग अलग आइटम्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो पहले आइटम को मैं लिखता हूँ फ्लेक्स वन। देखिए अभी हम फ्लेक्स आइटम को स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, और जो सेकेंड है उसको भी लिखूँगा मैं फ्लेक्स वन, और जो तीसरा है उसको भी लिखूँगा फ्लेक्स वन, और सेव करूँगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज अभी नज़र नहीं आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो हमारा मिडल वाला ब्लॉक है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और जो बाकी के दो है वो थोड़े से छोटे ही रहने चाहिए। तो उसके लिए सिंपल, ये मिडल वाला है हमारा आइटम टू, यहाँ पे जाके मैं एक की जगह करूँगा टू, फ्लेक्स टू, यहाँ पे सेव करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल बड़ा हो गया, और ये जो है साइड के जो थे वो छोटे ही रह गए। तो यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए, इसका जो विड्थ है ये बिल्कुल 2 गुना ज़्यादा है इस छोटे ब्लॉक से, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है फ्लेक्स टू और बाकी दोनों को है फ्लेक्स वन। अभी मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे मैं अगर 3 करूँगा, यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये देखिए ये और थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये अभी इसका जो विड्थ है ये 3 गुना ज़्यादा हो गई इससे। अभी चाहता हूँ कि पहला थोड़ा सा बड़ा हो जाए और ये छोटे हो जाए, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं इसको फिर से 1 कर देता हूँ और जो पहला वाला है उसको मैं 2 कर देता हूँ। तो ये देखिए पहला हमारा बड़ा हो गया और बाकी के दो छोटे हो गए। तो अभी मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल हमारे पहले जैसे दिखेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इनकी ऑर्डर चेंज करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा पहला ब्लॉक है या फिर पहला आइटम है उसको एक नंबर दे देता हूँ 1, और दूसरे को दे देता हूँ 2, और तीसरे को दे देता हूँ 3, इस तरह से देखिए 1 2 3, ताकि हमें पता चले कि ऑर्डर हमारी चेंज हो रही है कि नहीं। तो ऑर्डर चेंज करनी है, देखिए जैसे कि हमें तीसरा ब्लॉक पहले नंबर पे लाना है और पहला भेजना है 2 नंबर पे और दूसरा भेजना है लास्ट में, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली एक प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर। देखिए पहले वाले को हमें भेजना है सेकेंड नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर 2। दूसरे वाले को भेजना है लास्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर 3। और तीसरे वाले को लाना है फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर 1। अभी मैं इसको सेव करूँगा, तो ये देखिए बिल्कुल जिस तरह से हमने इनकी ऑर्डर चेंज की थी उस तरह से ये अभी लेआउट हुए हैं। तो ये होता है ऑर्डर। अभी ऑर्डर को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि जैसे ही हम कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है। हमने तो यहाँ पे देखा था कि जितने भी फ्लेक्स आइटम्स होते हैं वो एक लाइन में चले आते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर और भी एक चीज़ होती है और वो है इन आइटम्स की हाइट। यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो इनकी जो हाइट है सबकी सेम हाइट है, और वो हाइट बराबर होती है उस कंटेनर की हाइट से। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कंटेनर की अभी कोई भी हाइट यहाँ पे नहीं दी है, तो उसने उतनी हाइट ली है जितने उसके अंदर कंटेंट्स है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मैं देता हूँ हाइट और 500 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में क्या होता है, ये देखिए जैसे मैंने कंटेनर को हाइट 500 दे दी, तो ये पूरे जो आइटम्स है, जो फ्लेक्स आइटम्स है, उनकी सबकी हाइट भी उतनी हो गई जितनी कंटेनर की है। तो यहाँ पे मैं यही बता रहा था कि जैसे ही हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो उनके जितने भी आइटम्स होते हैं उनकी हाइट होती है वो बिल्कुल कंटेनर के बराबर हो जाती है। तो वो क्यों होता है दोस्तों? वो होता है अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी की वजह से।
तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रेच, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई भी फर्क अभी नहीं दिखेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स स्ट्रेच ही होता है। तो अभी स्ट्रेच की जगह पे मैं चेंज करके यहाँ पे लिखूंगा फ्लेक्स स्टार्ट, सेव करूंगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया तो इनकी हाइट बिल्कुल कोलैप्स होके ये क्या कर रहे हैं अभी, ये कंटेनर के ऊपरी हिस्से में या फिर स्टार्ट में अलाइन हो गए। यहाँ पे दूसरी देखिए फ्लेक्स एंड अगर मैं करता हूँ तो अभी देखिए क्या होता है। तो ये देखिए जैसे मैंने फ्लेक्स एंड लिखा ये सारे आइटम्स हमारे बिल्कुल कंटेनर के बॉटम पे आके बैठ गए। तो ये होता है फ्लेक्स एंड। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सेंटर लिखता हूँ, ये देखिए अभी फ्लेक्स नहीं लिखना है हमें, सिंपली यहाँ पे लिखना है सेंटर और सेव। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ गए। अभी यहाँ पे मैं उसको फिर से स्ट्रेच कर देता हूँ जो भी हमारा डिफॉल्ट होता है, देखिए सेव। तो ये बिल्कुल हमारे पहले जैसा यहाँ पे अलाइन हो गया। तो पूरी हाइट ये कंटेनर की अभी ले रहा है। तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ये अलाइन आइटम्स भी हमें अभी नहीं चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा पहले जैसा हो गया। तो ये होती है दोस्तों अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। दोस्तों यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी है, वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉलम, सेव करूंगा। तो ये देखिए तो जैसे हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं तो ये बिल्कुल वर्टिकली अलाइन हो जाते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं कॉलम रिवर्स। तो जैसे मैंने कॉलम रिवर्स कर दिया तो ये पूरे ब्लॉक्स हमारे रिवर्स हो गए। अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ रो। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होते हैं। तो जैसे हमने कॉलम रिवर्स किया था तो यहाँ पे रो रिवर्स भी कर सकते हैं। ये देखिए सेव, यहाँ पे आ गया ना, ये लास्ट वाला पहले आ गया और पहला वाला लास्ट चला गया। तो ये हो गया रो रिवर्स। तो दोस्तों ये होता है फ्लेक्स डायरेक्शन। दोस्तों यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे आइटम्स हैं इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जो हमारे कंटेनर के अंदर ड्यूज़ है, मतलब ये तीनों तीनों को यहाँ पे मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ, वो है हमारी 20%। इस तरह से सेव करूँगा। तो ये देखिए सबकी विड्थ जो है वो 20% हो गई है। और अभी यहाँ पे मेन कंटेनर पे मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पेस बिटवीन। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो पहला वाला था पूरा लेफ्ट में आ गया और राइट वाला था पूरा राइट में चला गया, ये सेंटर में आ गया। और उनके बीच में जितनी भी स्पेस है वो स्पेस बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पे भी उतनी स्पेस है जितनी यहाँ पे। तो ये होता है स्पेस बिटवीन। यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हैं, वो है स्पेस अराउंड, सेव। तो स्पेस अराउंड क्या करता है, जितने भी फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उनके साइड में बिल्कुल इक्वल स्पेस क्रिएट कर देता है, लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड से। तो ये देखिए इसके लेफ्ट में जितनी स्पेस है उतनी राइट में है, इसके भी जितनी लेफ्ट में है उतनी राइट में, और इसी तरह से इसके भी। तो ये होता है स्पेस अराउंड। यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी है, वो है स्पेस इवनली। अगर यहाँ पे मैं इवनली लिखूँगा तो ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये इसको सेंटर में लेके आया और उनके साइड में जितनी भी स्पेसेस है वो सबको इक्वल कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये चारों स्पेस इक्वल है। तो ये होता है स्पेस इवनली। तो यहाँ पे और भी दूसरी प्रॉपर्टीज है जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट, सेव। तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो सारे आइटम्स हमारे स्टार्ट में चले आए, या फिर कह सकते हैं कि पूरे लेफ्ट में चले आए कंटेनर के। यहाँ पे मैं अगर स्टार्ट एंड लिखूँगा, ये देखिए तो ये कंटेनर के एंड में चले जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं सेंटर लिखूँगा, ये देखिए पूरे सेंटर में आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अलाइन आइटम्स जो था और जस्टिफाई कंटेंट था वो थोड़ा सा सिमिलर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग एक्सिस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि अलाइन आइटम्स हमने देखा था जो वर्टिकली काम कर रहे हैं, और ये जस्टिफाई कंटेंट होता है ये होता है हॉरिजॉन्टली काम करता है।
लेकिन ये हमेशा केस नहीं होती है, ये पूरा डिपेंड होता है फ्लेक्स डायरेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगा तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली काम करेगा और अलाइन आइटम्स वर्टिकली। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो अलाइन आइटम्स करेंगे हॉरिजॉन्टली काम और जस्टिफाई कंटेंट करेगा वर्टिकली। तो ये होता है जस्टिफाई कंटेंट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अभी इसको स्पेस बिटवीन, सेव। तो यहाँ पे देखिए इनके अंदर बहुत सारी स्पेस है। अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ कस्टम स्पेस उसमें आ जाए, मैं चाहता हूँ कि 30 पिक्सल स्पेस मुझे वहाँ पे चाहिए, तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे देखिए, तो सबसे पहले तो ये विड्थ को हटा देता हूँ यहाँ पे। और हाँ, और एक बात, ये इस विड्थ की जगह पे आप फ्लेक्स बेसिस भी लिख सकते हो इस तरह से। तो ये थोड़ा फ्लेक्स बॉक्सी वे होता है उसको विड्थ देने का, तो फ्लेक्स बेसिस भी आप वहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल उसी तरह से दिखेगा। तो यहाँ से मैं इसकी विड्थ अभी निकाल रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल वो पहले जैसा हो गया। और यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन, देखिए फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर मार्जिन राइट करूँगा 30 पिक्सल। मुझे 30 पिक्सल चाहिए था, ये देखिए 30 पिक्सल आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो लास्ट है हमारा उसको भी मार्जिन यहाँ पे आ रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक हैक है, यहाँ पे जो कंटेनर है, जो पूरा कंटेनर है यहाँ पे स्पेस दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा कंटेनर को राइट में मूव करूँगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको पता होगा सिंपल CSS में है मार्जिन राइट करना है, और आपको उसको राइट में मूव करना है, तो निगेटिव मार्जिन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। कितनी, उतनी ही जितनी हमने यहाँ पे 30 पिक्सल दी है, तो 30 पिक्सल। तो ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे अभी हमारी कस्टम स्पेस यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये होनी चाहिए 50 पिक्सल, वो भी कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे हमें निगेटिव स्पेस भी अभी 50 पिक्सल करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ये देखिए हमारी कस्टम स्पेस यहाँ पे आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल हमारा पहले जैसा हो गया। तो जब भी हम कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, मतलब छोटे स्क्रीन के ऊपर हमारी वेबसाइट अच्छी दिखनी चाहिए, उसके लिए ये CSS फ्लेक्स कैसे मदद करता है ये देखिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये हमारा डेस्कटॉप है और इसके ऊपर हमें 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। लेकिन जब भी हम छोटी स्क्रीन पर आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए, एक एक ब्लॉक्स एक लाइन पर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन छोटी है तो ये तीनों बॉक्स एक लाइन में नहीं बैठेंगे। तो हमें एक एक बॉक्स या फिर एक एक आइटम एक एक लाइन पे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपली हमें यहाँ पे, आपको तो पता ही है रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपको मीडिया क्वेरीज लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखूँगा सिंपली मीडिया, और यहाँ पे हमें लिखना है ब्रेक पॉइंट, जो भी होता है मोबाइल का मैक्स विड्थ 640 पिक्सल। इसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि जैसे 640 पिक्सल के अंदर आ जाए तो ये तीनों ब्लॉक बिल्कुल एक एक लाइन पे एक एक आ जाए। तो यहाँ पे सिंपली मैं सिलेक्ट करूँगा जो भी हमारा फ्लेक्स कंटेनर है और उसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कर दूँगा कॉलम। रिफ्रेश, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ इंस्पेक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रोम ब्राउज़र का फीचर है। यहाँ पे मैं अभी कम, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे हमारी विड्थ जैसे 640 के नीचे आ जाएगी तो क्या होता है, ये देखिए 780, 700 कम हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये है हमारी 639, अभी देखिए 642 हो गई, तो ये 3 हो गए। उसके नीचे आते तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे देख रहे हो आप एक एक लाइन पे एक एक आ गया। तो देखिए कितना सिंपल है। और हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रिड बनाने का मैजिक फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला को समझने से पहले, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझ लीजिए कि ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है, तो इसके ऊपर 3 आइटम्स हमें दिख रहे हैं एक ही लाइन में। लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ, हमारा जो टैबलेट का स्क्रीन होता है तो मुझे ये 3 नहीं, मुझे 2 चाहिए, और इनके बीच में कस्टम स्पेस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो भी स्टाइल हम अप्लाई करने वाले हैं वो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा विड्थ, और CSS की फंक्शन है कैल्क, जो भी कैलकुलेशन करती है डायनामिकली। और ये यहाँ पे हमारा मैजिक फॉर्मूला,
यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/3 × 100%, और यहाँ से मैं माइनस करूंगा 1 − 1/3, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा जो भी हमारी कस्टम स्पेस है, हमें 30 पिक्सल चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30 पिक्सल, और इसको सेव करूंगा तो देखिए कुछ फ़र्क नहीं। यहाँ पे और एक लाइन हमें ऐड करनी होगी, वो है हमारी बॉक्स साइजिंग, और यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर बॉक्स। अभी जैसे मैं सेव करूंगा, ये देखिए ये हमारी स्पेस यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे जो टैबलेट का ब्रेक पॉइंट है वो है 1024, और इस बार कंटेनर को नहीं, हम आइटम्स को दे रहे हैं, इसलिए कंटेनर के अंदर जो भी ड्यूज़ है उनको ये हमें देना है। और यहाँ पे जाके जो हमारा फॉर्मूला है उसको मैं कर देता हूँ कॉपी, इसकी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे देखिए 1/3 की जगह हमें 2 ब्लॉक चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली 1/2 कर रहा हूँ। और इसको सेव करने से पहले और एक प्रॉपर्टी हमें कंटेनर के ऊपर ऐड करनी पड़ेगी, वो है फ्लेक्स रैप, और इसको करेंगे रैप। इसका मतलब जो भी हमारे एक्सेस आइटम्स है जो हमें नहीं चाहिए वो रैप हो जाएंगे नेक्स्ट लाइन पर। अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा, ये देखिए यहाँ पे आपको फिर से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1490 विड्थ है जो भी डेस्कटॉप है हमारा। तो अभी इसको मैं कम कर देता हूँ, ये देखिए जैसे ही हमारा 1024 के नीचे आता है तो ये बिल्कुल 2 हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए तो ये सिंगल लाइन में आना चाहिए, मतलब एक लाइन पे एक ही आइटम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट, यहाँ पे भी हमें कंटेनर को नहीं है, भी इस बार डिव को देना है, और यहाँ पे मैं करूँगा 1, सेव, और यहाँ पे मैं उसको और कम कर देता हूँ, जो भी हमारा 640 का ब्रेक पॉइंट था उसके यहाँ पे देखिए ऊपर, जैसे 640 के नीचे आएगा ये देखिए। तो यहाँ पे जो राइट साइड में आपको मार्जिन दिख रही है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करना है कंटेनर और उसको देनी है निगेटिव मार्जिन, ताकि वो राइट में उसको थोड़ा सा खींच ले, और उतनी मार्जिन देनी है जितना हमारा स्पेस है 30 पिक्सल, सेव। और ये देखिए ये बिल्कुल हमारा अभी रिस्पॉन्सिव हो रहा है, जैसे हम ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर सिंगल सिंगल दिखेगा, जैसे हम थोड़ा टैबलेट के स्क्रीन पे जाएंगे तो ये 2 ब्लॉक हो जाएंगे, और जैसे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये बिल्कुल 3 हो जाएंगे। तो देखा दोस्तों कितना सिंपल था ये फ्लेक्स बॉक्स का लेआउट बनाना। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेल का आइकॉन होता है उसको ज़रूर दबाना है, क्योंकि जल्द ही मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ जिसमें हम HTML और CSS का यूज़ करके एक ज़बरदस्त वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो ये नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।